मैंने बात करी थी बेसल गैंग्लिया की। उस वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था कि बेसल गैंग्लिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स कौन कौन से कनेक्शंस बना रहे हैं। अब उन कनेक्शंस में कौन से एक्साइटेटरी हैं, कौन से इनहिबिटरी हैं, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली डिजीजेज ऑफ बेसल गैंग्लिया की। अब डिजीज ऑफ बेसल गैंग्लिया कैसे होंगी कि या तो इस किसी ट्रैक्ट में दिक्कत हो जाए या किसी पार्ट में दिक्कत हो जाए, तो वो क्या कर देगा, नॉर्मल फंक्शनिंग को हमारी खराब कर देगा और क्रिएट कर देगा डिजीज। तो कौन कौन सी मेन डिजीजेज हैं जो हमको बेसल गैंग्लिया में पढ़नी है, तो वो हमारी है चार। सबसे पहली है पार्किंसंस डिजीज, दूसरी है कोरिया या इथियोटोसिस, तीसरी है विल्सन्स डिजीज और चौथी है कार्निक टेरस। जिससे पहले हम डिजीज की बात करें, उससे पहले हमें नॉर्मल फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। तो एक बार उसे अगर रिवाइज करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या हुआ, इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। अब इसकी इनपुट फाइबर्स गई कहां, बेसल गैंग्लिया पे, और बेसल गैंग्लिया का काम क्या है, सबकॉन्शियस कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंड मूवमेंट कराना। और इसके जो आउटपुट फाइबर्स है वो जाएंगे थैलेमस, और थैलेमस से दोबारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे इनपुट भेज दिया जाएगा। अब यहां पे इनपुट जो आया उसको ये यहां पे क्या करेगा, जहां पर्टिकुलर मसल पे भेजना है वहां पे भेजेगा, किसकी मदद से, स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। तो ये फाइनल आउटपुट जो है हमारा स्केलेटन मसल पे चला गया और जो हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट होना है वो वॉलेंट्री मूवमेंट पूरा हो गया। पर अगर इस नॉर्मल कंडीशन में कहीं भी कोई भी या तो इनपुट में कमी आ जाए या आउटपुट में कमी आ जाए या बेसल गैंग्लिया में कमी आ जाए, तो हमारी डिजीज कंडीशन हो जाती है और जो ये स्केलेटन मसल नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है ये अब नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली डिजीज जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज की, जिसको हम और क्या बोलते हैं, पैरालिसिस एजिटेंस। ये एक तरह की शेकिंग पैल्सी है जिसके तीन कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला रिजिडिटी, दूसरा ट्रेमर्स जिसको हम हाइपरकाइनेसिया भी बोलते हैं, और तीसरा होता है वीकनेस ऑफ मूवमेंट जिसको हम हाइपोकाइनेसिया भी बोलते हैं। अब इसका कॉज क्या है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सर्किट की, तो वहां पर सर्किट में क्या हो रहा था कि ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो स्ट्रेटियम पे जो ये ट्रैक जा रहा था, इसको हमने बोला था निग्रोस्टीटियल ट्रैक्ट। ये कैसा था, इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक। अब इस ट्रैक्ट में अगर कोई लीजन हो गया तो वहां पे क्या होगा कि ये डीजनरेशन हो जाएगा डोपामिनर्जिक निग्रोस्टीटियल ट्रैक्ट का। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पे जो डोपामिन जा रहा था स्ट्राइटियम पे वो यहां नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से डोपामिन की कंसंट्रेशन यहां पे कम हो जाएगी, और डोपामिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इनहिबिटरी एक्शन कम हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, पार्किंसन डिजीज। अब सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो डोपामिन जाता है वो दो रिसेप्टर से जाता है, एक होता है D1 रिसेप्टर, एक होता है D2 रिसेप्टर। अब D1 रिसेप्टर का काम होता है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, जो क्या था, डायरेक्ट पाथवे, और D2 रिसेप्टर का काम क्या होता है, इनहिबिशन प्रोवाइड करना, जो किसका काम था, इनडायरेक्ट पाथवे का। अब अगर एब्सेंस ऑफ डोपामिन है तो हो गया हमारा क्या, पार्किंसंस डिजीज। अब एक एक करके अगर इनके कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला आता है रिजिडिटी। तो अब बात करते हैं हम रिजिडिटी की। तो रिजिडिटी में क्या हो रहा है कि जो हमारे मेन मसल्स हैं, जैसे कि लिम्स के मसल हुए फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, ये इसमें मेनली इफेक्ट होते हैं। अब ये कैसे इफेक्ट होते हैं कि डोपामिन का काम क्या था कि अगर ये हम मसल मान लें तो डोपामिन का काम क्या था कि इसको इनहिबिटरी एक्शन प्रोवाइड करना, मतलब इसको इनहिबिट करना। अब क्योंकि डोपामिन तो एब्सेंट है, अब डोपामिन तो है ही नहीं बॉडी में, तो डोपामिन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है किसका, गामा एफरेंट फाइबर्स का। तो वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक फाइबर्स की तरफ। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होने लग जाएंगी मसल ज्यादा, उसकी वजह से हाइपरकाइनेटिक फीचर आ जाएंगे, मतलब बॉडी फ्लेक्शन एटीट्यूड में चली जाएगी। तो ये पोस्चर क्या है, फ्लेक्शन एटीट्यूड में चला गया। तो उसकी वजह से अगर ये नॉर्मल कंडीशन थी तो फ्लेक्शन एटीट्यूड हो जाएगा, फ्लेक्स्ड हो जाएगी हर चीज। तो ये कैसी कंडीशन है, इसको ही हम बोलते हैं रिजिडिटी। इसका कॉज हमने डिटेल में अभी यहां पढ़ ही लिया। दूसरी हम बात करें दूसरे कैरेक्टर की, जिसको हम बोलते हैं ट्रेमर्स। ट्रेमर्स क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा किसी बुजुर्ग आदमी को, तो उन किसी के अपने आप ऐसे हाथ हिलने लगते हैं, जबकि अगर वो कोई मूवमेंट करने लग जाए तो वो हाथ नॉर्मल स्टेबल हो जाते हैं। अब ये जो हाथ अपने आप हिल रहे हैं, ये क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें फ्लेक्सर मसल
या एक्सटेंसर मसल की, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पे रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जो कि अल्टरनेट होते हैं, एक बार फ्लेक्जर होगा एक बार एक्सटेंसर होगा। अगर यही 6 से 8 टाइम्स पर सेकेंड होने लगे अगर, तो ये तेज तेज होने लगेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो यही क्या होते हैं ट्रेमर्स। तो ये कैसे है, रेगुलर रिदमिक अल्टरनेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट एंड गोनिस्टिक मसल। अब इनकी स्पीड कितनी होती है, तो 6 to 8 टाइम्स पर सेकेंड। अब अगर ये इतनी तेज हो रहे हैं, और अगर हम अगर मान लें कोई आदमी अगर पिल रोल कर रहा है, अगर पिल है कोई, तो ये मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये कैसा मूवमेंट लग रहा है, पिल रोलिंग मूवमेंट। अब ये पिल रोलिंग मूवमेंट इसको इसीलिए बोलते हैं। अब इनकी जो मेन कौन कौन सी मसल, तो ये फिंगर्स की मसल, हैंड की मसल, लिप और टंग पे ज्यादा काम करते हैं। अब ये कैसे तरह का ट्रेमर है, ये है रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर इसको क्यों कहा, क्योंकि जब तक ये रेस्ट पे है हाथ, जब तक तो ट्रेमर होता है, और जैसे ही हम मूवमेंट को इनिशिएट कराना चाहें, अगर जैसे ये पेन पड़ा है और मैं ये पेन को उठाना चाहूं, तो जैसे ही इस पेन को उठाऊंगा उससे पहले तो हाथ ट्रेमर कर रहा होगा, उसको उठाने पर ये ट्रेमर बंद हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेस्टिक या स्टेटिक ट्रेमर, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है एट रेस्ट बट डिसअपीयर ड्यूरिंग एक्टिविटी। अब क्या होता है कि एक सिस्टम होता है रास। रास की फुल फॉर्म क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब रास जो है वो कंट्रोल करता है ट्रेमर्स को, तो जब आदमी सो रहा होगा तो ये रास इनहिबिट हो जाएगा और वहां पर उस कंडीशन में ट्रेमर नहीं होंगे। लेकिन जब आदमी इमोशनल है, एक्साइटेटरी फेज में है या एंजाइटी में है, तो ये रास सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और ये नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, जब आपने देखा होगा जब आप वाइवा वगैरह देने जाते हैं तो आप में एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा, तो उस एंजाइटी की कंडीशन में आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो ये वही है ट्रेमर्स। बात करें तीसरे कैरेक्टर की, जिसको हम बोलते हैं एकाइनेसिया। एकाइनेसिया को हम हाइपोकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मूवमेंट जो है हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। अब वो रिस्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वीकनेस हो रही है यहाँ पर मूवमेंट्स की। अब वो वीकनेस कैसे कैसे दिखेगी, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी वॉलेंट्री मूवमेंट इनिशिएट कराने में। मतलब अगर ये हाथ ऐसे रखा है, अगर मैं इसको उठाना चाहूँ तो मैं इसे उठाने में नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसे उठा लिया, लेकिन अगर मुझे एकाइनेसिया है तो मुझे डिफिकल्टी होगी इस हाथ को उठाने में। दूसरा, जो मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोल जो पा रहा हूँ उसमें मैं अपनी पिच को या स्पीच को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मतलब कभी मैं तेज बोल सकता हूँ, कभी मैं बहुत स्लो बोल सकता हूँ, तो ये जो स्पीच है ये कंट्रोल हो रही है मेरे लैरिंग से। पर इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये मसल भी वॉलेंट्री मसल है, तो इसको भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ क्या होगा, स्लो और मोनोटोनस स्पीच हो जाएगी। फेस के एक्सप्रेशन जो हैं वो भी वॉलेंट्री हैं, तो वो भी मैं नहीं दे पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मास्क लाइक फेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि फेस पे एकदम एक्सप्रेशन लेस। तीसरा क्या होगा, जो एसोसिएटेड मूवमेंट है, जैसे कि जब मैं वॉक के टाइम पे चलता हूँ तो मेरे हाथ आगे पीछे होते हैं, तो उस टाइम पे वो मूवमेंट भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये भी वॉलेंट्री मूवमेंट है। तो अगर हम बात करें तो एक टर्म है गेट। गेट का मतलब क्या होता है कि पर्सन्स वे ऑफ वॉकिंग, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो पर्सन के चलने की चाल। अब इसमें क्या हो जाता है, इस कंडीशन में जो गेट होता है वो होता है शफलिंग गेट। मतलब ऐसा लगता है कि पर्सन जो है वो अपने पांव जमीन पे ड्रैग कर करके आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कंडीशन में हो जाता है शफलिंग गेट। अब इस कंडीशन में हमें जो टेंडन जर्क रिफ्लेक्स था वो भी हमें डिफिकल्ट होगा देखने में। अब इसका कॉज क्या है सब, तो वो ही कॉज है इसका कि डोपामिन डेफिशिएंसी हो रही है इस वजह से। अगर हम बात करें हाइपरटोनिया, मतलब हाइपरटोनिया क्या, मतलब क्या हुआ कि टोन इंक्रीज हो गई मसल की, तो वो अभी हमने कहा पढ़ा था रिजिडिटी में कि टोन इंक्रीज हो रही थी, जो पोस्चर था वो हमारा फ्लेक्जर पोस्चर हो गया था। तो ऐसी एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्पास्टिसिटी। तो रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी में डिफरेंस क्या है कि जैसा कि आपको मोटर सिस्टम की पहली वीडियो में मैंने बताया था कि दो तरह के ट्रैक्ट होते हैं, एक होते पिरामिडल ट्रैक्ट, दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। तो अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में कोई लीजन हुआ तो कॉज करेगा रिजिडिटी, और अगर पिरामिडल ट्रैक्ट में लीजन हुआ है तो वो क्या कॉज कर देगा, हमारा स्पास्टिसिटी। अब जो स्पास्टिसिटी जो है ये होती है यूनिडायरेक्शनल, और रिजिडिटी होती है बाय डायरेक्शनल। इसमें जो हमें दिखता है वो क्या है कि एक तरह की मसल या तो फ्लेक्जर या एक्सटेंशन, मतलब या तो एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट में से सिर्फ एक टाइप की मसल इन्वॉल्व होंगी, जबकि रिजिडिटी क्योंकि बाईडायरेक्शनल है तो दोनों मसल, मतलब एगोनिस्ट भी और एंटागोनिस्ट दोनों इन्वॉल्व होंगी। इस टाइप में जो हमें दिखती है वो होती है क्लास्प नाइफ टाइप। अब जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, क्लास्प नाइफ ये होता है जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। अब ये क्लास्प नाइफ टाइप रिजिडिटी हो जाती है, मतलब जैसे ये चाकू खुलता है वैसे ही रिजिडिटी हो जाती है।
अब ये क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट, जबकि इस यहाँ पे क्या होता है लेड पाइप रिजिडिटी, या जिसको और हम बोलते हैं कॉग व्हील टाइप ऑफ रिजिडिटी, दो टाइप की रिजिडिटी हमें मिलती हैं। और यहाँ पे ये क्या है, नॉन वेलोसिटी डिपेंडेंट। पार्किंसन डिजीज को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं और जो तीन ये डिजीज थी। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सर्किट दिखाना चाह रहा हूं। मोटर कॉर्टेक्स से पोन्स, पोन्स से डेंटेड न्यूक्लियस किसका पार्ट होता है, सेरिबेलम का, और कॉर्डेड न्यूक्लियस किसका पार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया का। तो जैसा कि आपको पता है कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और यहाँ पर हमारा सेरिबेलम, ये तीनों मोटर सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ से कॉर्डेड न्यूक्लियस से थैलेमस, और थैलेमस से जाता है एक इनहिबिटरी पाथवे जो कि किसको सिग्नल देता है, मोटर कॉर्टेक्स को। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटरी पाथवे है जो मोटर कॉर्टेक्स में किसको एरिया नंबर 4S को जो सप्लाई कर रहा है वाया किसके, कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस के, जिसमें अगर कोई इंटरप्शन हो गया तो हमारी डिजीज हो जाएगी कोरिया या एथियोटोसिस। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कोरिया मतलब सी, तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस में अगर लीजन हो रहा है तो, और एथियोटोसिस में क्या होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किस किस से बनता है, तो वो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडस से, जो दोनों किसके पार्ट है हमारे बेसल गैंग्लिया के। अब इसमें क्या होगा कैरेक्टर, इसमें रैपिड इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाएंगे, मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी और इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, जबकि एथियोटोसिस में क्या होता है कंटिन्यूस स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें विल्सन डिजीज की, तो विल्सन डिजीज में क्या होता है कि सब्सटेंशन आएगा जो पढ़ा था हमने उसमें कॉपर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो सेरुलोप्लाज्मिन है मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन है जो कॉपर को बाइंड कर रहा है वो इस कंडीशन में हो जाता है कम, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है सीवियर डीजनरेशन ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। यहां भी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किसमें हो रहा था, एथियोटोसिस में, लेकिन यहां लीजन हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है सेरुलोप्लाज्मिन लेवल कम हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था जो यहां से कंडीशन हो रही थी उससे थोड़ी हटके कंडीशन आएंगी, यहां पर मस्कुलर रिजिडिटी, ट्रेमर, लिवर सिरोसिस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ये सारी कंडीशन हो जाएंगी विल्सन डिजीज में। अब अगर हम लास्ट कंडीशन की बात करें जिसका नाम है कार्निक टेरस, तो ये कैसी कंडीशन है, ये एक हीमोलाइटिक डिजीज है न्यूबॉर्न की। यहां पे क्या होता है कि नॉक्शियस एक्शन ऑफ आरएच एंटीबॉडी हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलिरुबिन होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में और वो क्रॉस कर देगा ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के बाद ग्लोबस पैलिडस को जाके डीजनरेट कर देगा, और डीजनरेट कर दिया तो हमारी कंडीशन हो जाएगी कार्निक टेरस। तो ये बात हुई हमारी डिजीजेस ऑफ बेसल गैंग्लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।